हाय ऑल, वेलकम टू श्रुति ज्ञानानी क्लासेस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है व्हाट्सएप शॉर्ट फॉर्म्स। क्या टॉपिक है आज का फ्रेंड्स? व्हाट्सएप शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं? हम सभी एसएमएस भेजते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग कंप्लीट मैसेज हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आज यही टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी जनों को शॉर्ट फॉर्म्स, जो छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनका कंप्लीट उसका मीनिंग नहीं पता होता है, इसका मीनिंग क्या है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है समझने में, ठीक है। सपोज आपको किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और नीचे लिख दिया प्लीज़ सेंड मी दिस इन्फॉर्मेशन ASAP, ठीक है। अब आपको जब तक ASAP का मतलब ही नहीं पता होगा और सामने वाले को इन्फॉर्मेशन ASAP होता है एज सून एज पॉसिबल, आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता, तो पहले आप सर्च करेंगे जाके ये ASAP क्या होता है, ठीक है। जब तक सर्च करेंगे, देखेंगे, जब तक आपको समझ आ जाएगा, दैट मीन्स ऑलरेडी लेट हो चुकी होगी इन्फॉर्मेशन जाने में, और सामने वाले को वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी चाहिए थी, कुछ अर्जेंट होगा तभी उसने ASAP लिखा था, राइट। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है कि हम व्हाट्सएप पे जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जो एब्रीविएशंस हैं, उनको समझें, ताकि इसमें हमारी हेल्प हो, ठीक है। ओके, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपने व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, LOL। क्या वर्ड है सबसे पहला? LOL। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लाफ आउट लाउड। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपको किसी ने फनी SMS भेजा, कोई जोक भेजा आपको व्हाट्सएप पे, तो आपको मान लीजिए उस पर बहुत हंसी या आपको ऐसा कुछ भेजना है, या तो स्माइली भेज सकते हैं या LOL, या मान लीजिए कोई आपसे कोई बात कर रहा है, उसको आप मजाक में उसको बोले कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप LOL लिख के उसको ये मैसेज दे सकते हैं कि हाँ, नथिंग इज सीरियस, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है, LOL, क्लियर है। नेक्स्ट है OMW। क्या है OMW? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑन माई वे। ऑन माई वे मीन्स, मान लीजिए आप अपने हस्बैंड को, अपने फ्रेंड को, या मान लीजिए अपने बच्चे को है, आप पूछ रहे हैं आप कहाँ पे हो, ठीक है, तो आपको अगर रिप्लाई करते हैं OMW, दैट मीन्स वो कह रहे हैं ऑन माई वे, मतलब मैं रास्ते में हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है IDC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आई डोंट केयर, ठीक है। सपोज कोई SMS है, आपको उसका रिप्लाई करना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन हिंदी, तो आप इंग्लिश में उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आई डोंट केयर, IDC, ठीक है। नेक्स्ट है NVM। क्या है फ्रेंड्स? NVM, इसकी फुल फॉर्म होती है नेवर माइंड। क्या होती है फुल फॉर्म? नेवर माइंड। मान लीजिए आपको किसी को रिप्लाई करना है नेवर माइंड, तो आप NVM लिख के भी उसको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है LMK। क्या है फ्रेंड्स? LMK, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लेट मी नो, ठीक है। लेट मी नो क्या होता है? मुझे बता देना, लेट मी नो प्लीज, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ पार्टी प्लान कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी बात आपकी फैमिली में कोई बात हो रही है, आप कहना चाह रहे हैं कि लेट मी नो प्लीज, मुझे भी बता देना, तो आप LMK लिख के रिप्लाई शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है CU, ठीक है। ये काफी आपको पता होगा, काफी लोगों को CU का मतलब क्या होता है? सिंपल CU, ठीक है, मीन्स फिर मिलते हैं, CU, ठीक है। नेक्स्ट एब्रीविएशन है, सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रही है, BTW। क्या है फ्रेंड्स? BTW। BTW का फुल फॉर्म क्या होता है? बाय द वे, ठीक है। बाय द वे, जो भी आपका मैसेज है, अगर आप किसी को बोलना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली BTW लिख के मैसेज आगे टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ROFL। ROFL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग। इसका क्या मतलब है? LOL भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा हंसी वाली बात है, ठीक है, LOL सिंपल, ठीक है, जोक आपको भेजा, लेकिन उससे भी ज्यादा मान लीजिए कोई ह्यूमरस थिंग है, बहुत ज्यादा हंसी वाली बात है, तो आप ROFL ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। रोल ऑन फ्लोर लाफिंग, मतलब हंसते हंसते फ्लोर पे गिर जाना, आप अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो, ठीक है, तब ये आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ASAP। ASAP, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है।
मान लीजिए बॉस है आपको, कोई उन्हें फाइल चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रिपोर्ट चाहिए, और वो आपको भेजते हैं सेंड मी दिस इन्फॉर्मेशन ASAP. ASAP मीन्स एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके. ठीक है, नेक्स्ट है OBVS. OBVS क्या होता है? OBVS ऑब्वियसली. ठीक है, ऑब्वियसली. नेक्स्ट है OMG. OMG भी काफी यूज करते हैं हम. OMG इज ओ माई गॉड या ओ माई गुडनेस या ओ माई गॉश. ठीक है, ये तीन इसके मीनिंग हैं. जब आप कोई सरप्राइज किसी चीज से होते हैं, शॉक में अगर आपको कोई लगता है, मान लीजिए कोई न्यूज आपको ऐसी मिली शॉकिंग न्यूज, ठीक है, तो OMG, ओ माई गॉड. ठीक है, ये है जो आप व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा यूज करते हैं. नेक्स्ट है FYI. FYI क्या होता है? FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन. फॉर योर इंफॉर्मेशन मीन्स मान लीजिए कोई, अगेन मैं ऑफिस के एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई ऐसी चीज है जो आपको आपके बॉस या कलीग सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन इतना बड़ा है, आप सिंपल FYI टाइप करके मतलब सामने को समझा सकते हैं कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट TY, ये भी हम बहुत यूज करते हैं. TY का मतलब क्या होता है? थैंक यू. क्या मतलब होता है इसका? थैंक यू. ठीक है, आई होप ये सारे आपको जितने भी मैंने शॉर्ट फॉर्म्स बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे. कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कुछ भी पूछना हो, यू कैन कमेंट बी इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड श्योर, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और वर्ड्स जिनके मीनिंग आपको नहीं पता जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.